हमारे पास कुछ अलग कहने के लिए नहीं है, कुछ अलग बोलने के लिए नहीं है, लेकिन मैं दो महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता हूं कि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को कोसने के लिए है। ये मंच सिर्फ और सिर्फ मोदी जी क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताने की है, क्योंकि वो तो आप सब लोग जानते हैं। वो आप सब लोग इसलिए जानते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस दौर में भी कोई इंसान अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, इस दौर में भी कोई नौजवान अगर यूथ कांग्रेस का झंडा उठाए हुए है, इस दौर में भी अगर कोई विद्यार्थी एनएसयूआई का झंडा उठाए हुए है, इसका मतलब वो सत्ता के लिए नहीं सत्य के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए बीजेपी क्या है, मोदी जी क्या हैं, आरएसएस क्या है, मैं इन चीजों पे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे वरिष्ठ साथियों ने, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस बात को बखूबी समझा दिया है। वो क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं। हमको ये समझना होगा कि हमको क्या करना है। आज जब हम इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है बेहतर भारत की बुनियाद, तो हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, एनएसयूआई का कार्यकर्ता होने के नाते, सेवा दल का कार्यकर्ता होने के नाते, महिला कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, इंटक का कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, किसान सभा का कार्यकर्ता होने के नाते, हम इस देश की बुनियाद के लिए क्या करना चाहते हैं। इसीलिए आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। कितना गंभीर दायित्व आपके कंधे पे है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है, कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी चार पैर होता है, गधा को भी चार पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं।